say? Gurutvakarshan bal. अलग हो गई, क्यों हो गई अलग? दोनों का मास अलग अलग है। तो तुम ये कह रहे हो कि जो एस्केप वेलोसिटी है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, यही कह रहे हो? क्या ऐसा कर सकते हैं? नो, एस्केप वेलोसिटी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। एस्केप वेलोसिटी केवल और केवल प्लैनेट के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। आज समझ गए? तो अर्थ के लिए जो भी ऑब्जेक्ट होगा सबकी एस्केप वेलोसिटी यही होगी। लेकिन अगर आप प्लैनेट चेंज कर दें, दैट मींस आप अर्थ से मून पे चले जाएं, तब आपकी एस्केप वेलोसिटी डिफरेंट होगी। ठीक है? तो एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ प्लैनेट, यानी कि द प्लैनेट ग्रह के द्रव्यमान पर एस्केप वेलोसिटी निर्भर करती है। ग्रह के द्रव्यमान पर एस्केप वेलोसिटी निर्भर करती है, ना कि वस्तु के द्रव्यमान पर। ठीक है? नोट कर ले एक बार। अपना अपना ग्रेविटेशन फोर्स होगा। हाँ,
ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ ग्रह ऐसे उन पर ग्रेविटी नहीं होती, अच्छा अच्छा वहां पे एटमॉस्फेयर बच की आप क्या कह रहे थे। अच्छा डॉट नहीं तुम्हें मत जो पढ़ाया है इसी से सो ये अभी एस के वेलोसिटी बताई है तो यही से आएगा ना। मतलब ये टाइम ट्राई कुछ तो लगी जाएगा तो कब आ जाएगा। ओके देखो एटमॉस्फेयर किससे बनता है, मॉलिक्यूल से। ठीक है, अगर किसी भी प्लैनेट के मॉलिक्यूल जो है अगर उनका वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी उससे ज्यादा है तो वो मॉलिक्यूल वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो एटमॉस्फेयर वहां पे बनेगा ही नहीं। तो जो भी प्लैनेट में मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी से कम होना चाहिए तभी वो मॉलिक्यूल वहां स्टे कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर किसी प्लैनेट पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो उसका मतलब है वहां जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी के बराबर है या फिर इससे ज्यादा है, इसीलिए वहां मॉलिक्यूल नहीं है तो वो एटमॉस्फेयर नहीं है वैक्यूम है, इसको निर्वात बोलते हो। ठीक, ग्रेविटी फैक्टर है लेकिन यहाँ एस्केप वेलोसिटी में ही आपका ग्रेविटी का कांस्टेंट आ जाता है ना 2gmr। ओके, ये जो आपके कांस्टेंट है राइट, जैसे कि यहाँ पे कांस्टेंट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या वो देखो वेलोसिटी आपका इंक्रीज करने के लिए क्या क्या फैक्टर होते हैं, पहले ये देखो जो टेम्परेचर है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अगर टेम्परेचर हाई हो गया That means it is providing higher energy, तो आपका वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो आप इवेपोरेट कर जाएंगे। सिंपल सा केस है ना, जैसे पानी को आप टेम्परेचर आजकल तो वैसे ही मतलब डिकेड बाय डिकेड टेम्परेचर इतना राइज कर रहा है ग्लेशियर मेल्टिंग एंड ऑल द स्टफ। चलिए हाँ, तो हम टॉपिक अबाउट कि ये जो अपना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻¹¹ ऐसा कुछ, तो इसका कोई डायमेंशन होगा या इसका कोई यूनिट होगा जी का। Thank you.
बताओ भाई विमान बताओ। हाँ m माइनस वन एल थ्री t माइनस टू आगे बढ़ी सबका ये है। देखो डायमेंशन निकालने के लिए रटना नहीं होता, अगर आपको यूनिट मालूम है तो वहीं से निकाल लो। यू नो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो मीटर 12 हो गया एंड टू केजी क्या है मास हो गया, तो m की पावर माइनस टू हो गई। न्यूटन क्या है फोर्स का यूनिट है, तो आपको मालूम होनी चाहिए फोर्स की विमाएं क्या होती है, तो न्यूटन की जगह पे फोर्स की विमाएं रख दो। फोर्स क्या होता है m into a, तो ये हो गया मास l t minus 2 m l t minus 2, so it is m l t minus 2 and this is meter, that means l 2 और l की पावर minus 2, तो देख लो क्या आ रहा है minus 2 और plus 1 minus 1 2 और 3 t minus 2 आ रही है। तो विमान याद नहीं करनी होती है, जो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है या यूनिट दी हुई है उसी से लिख लो। अनदर क्वेश्चन, बहुत जरूरी है ना मालूम तो चले कि जो पढ़ रहे हो वो कुछ कर भी पा रहे हो या फिर लिख के रख रहे हो। क्या क्वेश्चन था कैपलर्स सेकेंड लॉ इज ऑल्सो नॉन एज, कैपलर के दूसरे नियम को किस नियम से जाना जाता है, लॉ ऑर्बिट्स law velocity law periods law area या फिर area velocity कौन सा ऑप्शन है? कल मैंने आपको दोनों के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बताए थे,
मीटर पर सेकंड, ये पानी में अगर कोई और मीडियम दे दिया, मान लीजिए ऑयल दे दिया, तब क्या करोगे? क्वेश्चन इज लाइक दैट कि प्रकाश आपका किसी ऑयली लिक्विड में चल रहा है जिसका कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ये है, मान लीजिए 1.67। अब इस मीडियम में, इस ऑयल में आप प्रकाश की चाल बताइए, तो कैसे करोगे? चलिए ग्लास का, और ये तो आपने याद कर रखा है हाँ, ग्लास का और पानी का। अगर ऑयल हो तो ऑयल में कैसे निकालोगे? केरोसिन ऑयल है, चलो आराम से एक कि केरोसिन ऑयल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.4 हाइपोथेटिकल वैल्यू है, मतलब माना हुआ वैल्यू है कि केरोसिन ऑयल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.42। अब मुझे केरोसिन ऑयल में प्रकाश की चाल निकाल के बताओ। मान लीजिए केरोसिन ऑयल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.42 है, केरोसिन ऑयल में प्रकाश की चाल क्या होगी? जो आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है, मतलब कि आप बढ़ना उसका वैल्यू होता है n इज इक्वल टू c अपॉन p। यहाँ पे n आपका मोड, n आपका है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं आप बढ़ना। यहाँ पे c आपका स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम, जिसका की वैल्यू है 3 नियर इक्वल टू 3 इनटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। टी है स्पीड ऑफ लाइट इन मैग्नीट्यूड, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यू कैन से मैग्नीट्यूड, ठीक है? तो ये आपका फॉर्मूला होगा। और मैंने ये भी बताया था हमेशा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो होगा उसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, 1 से छोटा इसका वैल्यू कभी नहीं हो सकता क्योंकि अपना डिनोमिनेटर हमेशा लेसर देन सी है, तो ये वैल्यू हमेशा आपका ग्रेटर देन 1 है। सो एज पर द क्वेश्चन n हमको दिया हुआ था 1.42, ठीक है? हां वो तो रखती है बेटा, पता नहीं है थर्ड और राइट है ये है। थैंक यू। 1.42 दिस इज गिवन, ये आपको दिया हुआ था कि केरोसिन का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है आपका इतना है, वो इतना है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, सी का वैल्यू आप लिख दीजिए डिवाइडेड बाय बी, तो बी इज इक्वल टू 3 इनटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय 1.42, कैलकुलेट कर लो ना भी आएगा होता है मीटर पर 3/1.42 करना है, तो सी सेट में इतना सीखते हो गए कि 3/1.42 कैसे भाग भाग करते हैं, यहाँ से ये डेसिमल हटा दो तो ये 300 हो जाएगा, 300/142 भाग दो,
दे दिया गया और आपसे पूछा गया, अब ये वो माध्यम ये नहीं है, ग्लास और एयर और वाटर नहीं है, इनको छोड़ के कोई भी माध्यम है, मान लीजिए एल्यूमिनियम फॉइल है आपका, गोल्ड कोटेड लेयर है, सिल्वर कोटेड लेयर है, तो उस केस में आप कैसे डिसाइड करोगे किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी या किस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी? ओके ओके, मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन। मान लीजिए तीन मीडियम है ए, बी और सी। ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वन, इसका है टू और इसका है थ्री, और कंडीशन आपको है एन वन इज ग्रेटर देन एन टू। नाउ BA, BB और BC, इनमें कौन सबसे बड़ा होगा, कौन सबसे छोटा होगा? समझ गए हो आप? कह रहे हैं BA सबसे ज्यादा होगा, यानी कि A माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। ओके, इनके हिसाब से ये बड़ा होगा। और कोई लास्ट वाली काम है, तो फिर लास्ट का रिफ्रैक्टिव
सॉलिड में सबसे कम होगा, ठीक है, क्योंकि सॉलिड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम Okay.
बनेगा, बट वो
क्योंकि उन्हीं केसेस के आधार पे इनका नाम पड़ता है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कॉनकेव, ये आपका क्या है कॉनकेव मिरर, मिरर ये बड़ा सा बना है, ये जो मिरर है ये बनता कैसे है, मिरर बनता है आपका एक बहुत बड़ा सा एक स्फीयर होता है ग्लास का, ठीक है, जब हम एक बहुत बड़े स्फीयर में से साइड से हम छोटा सा टुकड़ा काट देते हैं ना, मतलब बनता है ये आपका मिरर। इस मिरर का जो रेडियस होगा वो वही रेडियस होगा जो आपने उस इतने बड़े गोले में से इसको काटा है, उसका जो रेडियस होगा वही इसका रेडियस होगा। तो इन जनरल हमेशा चाहे मिरर है चाहे लेंस है, उनकी जो रेडियस होती है वो ऐसे आती है 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर, मान के चलिए 100 सेंटीमीटर आपका डायमीटर है, 200 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर, तो 1 मीटर लगभग कितना होता है, तो आपका इतना बड़ा गोला है यहाँ से यहाँ तक का इतना बड़ा गोला है जिससे ये लेंस और मिरर काटे जाते हैं, तो इसलिए इनकी जो रेडियस होती है वो हमेशा आपको ऐसे मिलेगी सेंटीमीटर 50 60 70 80 लाइक। ये जो एक्सेस होता है इसको बोलते हैं टी, दैट मींस होल, ये जो पॉइंट होता है आपने इसको बोलते हैं होल और इसको बोलते हैं आपका एक्सेस प्रिंसिपल एक्सेस। यहाँ पे होता है फोकस पॉइंट और जो फोकल पॉइंट होता है वो आपका क्या होता है, फोकल पॉइंट का रेडियस का क्या रिलेशन है, तो जो फोकस बिंदु है वो आपके रेडियस के आधा होगा, ठीक। तो अगर आपकी वस्तु इंफिनिटी पे इंफिनिटी मान लीजिए अनंत की तरफ रखी हुई है तो वहां से जो किरणें आती है वो हमेशा पैरेलल आती है, समान अगर कोई भी अनंत पर वस्तु रखी होती है तो जब प्रकाश की किरणें अनंत से आती हैं तो वो हमें समांतर आती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ इंफिनिटी में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो हम ये मान लेते हैं कि ये आपकी सारी रेस कैसे आएंगी पैरेलल, ठीक है। और जब कोई इंफिनिटी का ऑब्जेक्ट रखा होता है सारी रेस यहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके फोकस पे जाती है। इमेज आपका यहाँ पर, अगर ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ है इंफिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनती है फोकल पॉइंट, फोकस बिंदु पर आपकी प्रतिबिंब बनेगा अगर वस्तु अनंत पर रखी है। Yeah. Radius of the mirror.
जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में होगा हमेशा उसका
magnification method.
से आपका इमेज कहां से बनी यहां पे, तो ये वाला डिस्टेंस आपका कहलाएगा b, और आपका ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा u। लेकिन मेजर कहां से करेंगे, कौन से, ठीक है, और जो u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल से लेके वस्तु तक की दूरी आपकी यू से रिप्रेजेंट की जाती है। जब हम इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो वही आपका तो इनका जब आप रेशियो कैलकुलेट करेंगे रेशियो मैग्निफिकेशन यहाँ पे आ पड़ता है। जो गाड़ी के साइड मिरर होता है ना, जो कार होती है उस पर साइड मिरर होता है, वो कौन सा होता है? कोई भी एक मशीन मिला जिसको
Thank you.
लेकिन फ्रीक्वेंसी होती क्या है, एक सेकंड में कितना नंबर ऑफ
हम एक अवस्था है उससे आपका मैक्सिमम कितना ऊपर जाते हैं कितना नीचे जाते हैं वो एक दूरी है और एक्स्ट्रा वेवलेंथ पर आता है वेवलेंथ क्या है दूरी है तो इसीलिए एम्पलीट्यूड भी हो जाएगी तो आगे सी द क्वेश्चन वेरी केयरफुली हमेशा इस साइड पे नहीं आएंगे Thank you guys.